हाय गाइस, वेलकम टू प्रो ट्रेडर्स। दिस इज हर्षवर्धन। आज कुछ स्टॉक्स दिया तो मैंने, उसके बारे में ही एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ कल का स्टॉक्स भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ट्रेडिंग करने का तरीका ऐसा होता है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पे यहाँ पे क्लोज दिया था कल। आज क्या करना है, कल मैं टेलीग्राम चैनल में जो भी लेवल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मैंने दिया था 101, ठीक है, 101, तो ये मेरा हमारा ट्रेडिंग लेवल है, ठीक है। कल मैं बाई के लिए देता हूँ, राइट। तो मैं टारगेट कुछ देता हूँ 105 मान लो, ठीक है, 105। सो 101 पे मैं बाय दिया, उसके बाद स्टॉप लॉस कहीं पे यहाँ पे 98 पे होगा फॉर एग्जाम्पल। तो हमेशा हमारा मार्केट कैसे ओपन करना है, ये जो ट्रेडिंग लेवल मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल में, उससे नीचे खुलना चाहिए। नीचे कहीं पे भी 99 पे हो सकता है, 100 पे भी हो सकता है, कहीं से भी वो नीचे होके इसको ब्रेक करके फिर वापस जाके हमारा टारगेट को देना है। ये ही है सेटअप। ऐसा सेटअप हुआ तो तभी हमको करना पड़ेगा ट्रेड। अगर नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेड 101 पे दिया, लेकिन हमारा प्लान क्या था, 101 से नीचे ओपन होके ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ओपन होते ही 103 पे ओपन हुआ। तो ये ट्रेड सेटअप नहीं है, आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों, हमारा प्लान है वो नीचे खुलेगा, उसके बाद हमारा ट्रेड लेवल को हिट करके ऊपर जाके 105 हो, 104 हो, वो टारगेट दे देगा, ठीक है, ये टारगेट दे देगा, तभी हमको ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है, वो सेटअप है ही नहीं, ठीक है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी सेम वे आपको मिरर इमेज में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको 95 पे आपने क्लोज दिया, फॉर एग्जाम्पल 95 पे क्लोज दिया कल, मार्केट दिया था कल सुबह। मैं टेलीग्राम चैनल में देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 94 पे हमारा ट्रेडिंग लेवल है, यहाँ पे सेल करना है हमको, ठीक है, कहाँ पे, 94 पे फॉर एग्जाम्पल। तो हमारा प्लान क्या है, 94 से ऊपर कहीं पे भी यहाँ पे ओपन होके वो 94 हो सकता है, 96 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ओपन होना है। उसके बाद क्या होता है, इसको ब्रेक करके फिर वापस आके हमारा 90 कोई भी हो टारगेट हमको दे देगा। तो ऐसा सेटअप होना चाहिए, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं लेवल देता हूं उसे ऊपर ओपन होना है, जब भी सेल करने के टाइम पे ऊपर होके फिर उसको ब्रेक करके फिर हमारा टारगेट दे देगा। अगर नहीं, हमारा 93 पे गैप डाउन खुल गया, कौन सा लेवल पे, हमारा ट्रेडिंग लेवल, जो भी मैं सेल को देता हूं उसे हमारा, हमने डिसाइड किया सेल यहाँ पे करना है 94, लेकिन वो 93 या 92 पे खुल गया गैप डाउन, तब क्या करना है, इसको ट्रेड नहीं करना है, ये ट्रेडिंग का सेटअप है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो भी ट्रेड लेवल होता है हम डिसाइड किया 101 पे बाई करना है, फॉर एग्जांपल वो नीचे खुलना चाहिए, उसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए और टारगेट देना चाहिए। यहाँ पे भी सेल साइड के लिए उससे ऊपर खुलना चाहिए, उसके बाद उसको हमारा जो भी लेवल है ट्रेडिंग लेवल सेल ऑर्डर का, उसको ब्रेक करके हमारा टारगेट यहाँ पे दे देना है, तभी हमको ट्रेड करना है, ठीक है, नहीं तो नहीं करना है। वही सेटअप है, अगर नीचे हमारा ट्रेडिंग लेवल पे नीचे गैप डाउन खुल गया तो ट्रेड नहीं है, हमारा ट्रेडिंग लेवल पे गैप अप खुल गया तो वो ट्रेड नहीं है बाई साइड पे, ठीक है। सेल साइड पे हमारा ट्रेडिंग लेवल से नीचे नहीं खुलना चाहिए, ऊपर ही खुलना चाहिए, बाई से हमारा ट्रेडिंग लेवल से नीचे खुलना चाहिए, तभी हमारा बाय ऑर्डर को हिट करके ऊपर जाना है, ठीक है, यही सेटअप है। और एक बात है, जो भी मैं ऑर्डर्स देता हूं वो अगर आपको एंट्री नहीं मिला कहीं पे भी, एंट्री नहीं मिला, नो एंट्री, तब क्या करना है, एंट्री नहीं मिला तो कैंसिल ऑल द ऑर्डर्स बाय
10 AM, ये गेम सिर्फ 9:15 से लेके, ठीक है, ये गेम सिर्फ 9:15 से लेके 10 AM तक। अगर 10 AM से कोई भी एंट्री नहीं मिला, पेंडिंग में ही है, सेल ऑर्डर पेंडिंग में है, बाय ऑर्डर भी पेंडिंग में है, तो उसको ऑल ऑर्डर्स को कैंसिल करेंगे, उस दिन ट्रेड नहीं है, ठीक है, जो भी आप ट्रेड करते हो। समझ में आया ना? यही इसी के हिसाब से, इसी प्लान से मैं जो भी लेवल देता हूं टेलीग्राम चैनल में, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पे देखिए, मेरा रिजल्ट्स पेज में जाइए और वहां पे ये सब चेक किया मैंने, कब कब कौन सा स्टॉक में, देखो एनबीसी स्टॉक में कितना पैसा कमाया, 6 महीने में कैसे बनाया पोजिशनल स्ट्रेटजी से, BHEL में 45 डेज में कितना 2,50,000 कैसे कमाया, कब कब कैसे कमाया, वो सब मैं एक्सप्लेन किया है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, वो सब देखिए। ये देखो 30 डेज में 70,000 कमाया टाटा पावर में, और अल्केमी स्ट्रेटजी स्कॉल्पिंग इंट्राडे में मैंने 200% रिटर्न कमाया ITC स्टॉक में, वो भी देखिए। करेंसी में भी 100% रिटर्न से एक मंथ में कैसे कमाया, वो भी देखिए। और ये बहुत सारे ये भी है, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल या फेसबुक सभी में ये रिजल्ट्स लाइव वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ये कैसे बनाया, मैंने कोर्स का डिटेल्स यहाँ पे मैंने फ्री ट्रेनिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, ये वीकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इस वीडियो को पूरा देखो आप, ठीक है, आपको समझ में आएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये देखिए, यहाँ पे कहीं मैंने कोर्स डिटेल्स भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको विथ प्रूफ्स कैसे मैंने कहाँ बनाया, कौन सा महीने में कितना बनाया, वो सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कोर्स का डिटेल्स भी है, एंड तक देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कही है, वो पूरा देखिए कौन सा क्या मिलने वाला है। अगर क्वेश्चंस डाउट है तो मुझे पूछिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो इट्स ओके। तो आज मैंने कुछ स्टॉक्स दिया था, उसमें पहला वाला है इंफोसिस, ये देखिए, ये यहाँ पे ब्रेक करके फिर वापस हमारा एसएल हिट करके ऊपर चला गया, राइट। तो नीचे आने का प्लान था, नहीं आया, लेकिन ये फेल हो गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट उसके बाद UBL, ये देखिए कल इस लेवल से सपोर्ट लेके फिर वापस जा सकता है, देखो यहाँ तक गया, प्रॉफिट कर दिया, ये टारगेट हिट कर दिया, ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट PL, ये भी देखिए, यहाँ से मैंने कहा था ना, यहाँ से ऑलरेडी बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है, यहाँ से ब्रेक करके देखो यहाँ तक गया, हमारा टारगेट करके दे दिया, ये भी सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो कल के लिए यहाँ पे कुछ स्टॉक्स लिया मैंने, उस पर पहला वाला है इंडसइंड बैंक, ये देखिए ऑलरेडी हो गया, ये बहुत बड़ा स्ट्रांग कैंडल बनाया, इस नेगेटिविटी जो कैंडल आया ना, इसको भी ब्रेक किया इसने, मोस्ट प्रोबेबली ये भी ब्रेक करके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए हम बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा लेवल पर ट्रेड करना है, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन करो। नेक्स्ट LT, ये देखिए, ये जितना नीचे आना था वो आ गया, हो गया, और देखो ऑलमोस्ट यहाँ से सपोर्ट लिया, अब देखो पॉजिटिव कैंडल्स बनना शुरू हो गया, मोस्ट प्रोबेबली ये भी ब्रेक करके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए हम इसको बाय के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट विप्रो, ये देखिए विप्रो, ये कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में चल रहा है, राइट। यहां से देखो ये टच किया, फिर वापस आया, देखो यहां से सपोर्ट बन गया, कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है, ये बहुत बड़ा साइन है, देखो हैमर जैसे बन गया ना, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ा रैली हो सकता है, तो इसलिए हम बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट मुथूट फाइनेंस, ये देखिए यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट है ना, देखो जहाँ से सपोर्ट, बहुत बड़ा पावरफुल बायर्स एक्टिवेट हो गया, तो कहा यहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, फिर देखो और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसको भी तोड़ के ऊपर गया, मोस्ट प्रोबेबली इसको भी ब्रेक करके और थोड़ा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए हम बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट MGL, सेम केस देखिए, MGL भी ऑलमोस्ट जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, राइट, उसको टच करके फिर वापस जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगातार गिरते जा रहा है, राइट, तो और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए हम बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट भारत फोर्ज, ये भी हम इसको देखिए, यहाँ पे एक्चुअली सपोर्ट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से ही नेगेटिविटी आ गया, राइट,
प्रॉब्ली और थोड़ा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है 470 तक, इसलिए हम इसको बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आईजीएल। आईजीएल का भी सेम केस है, देखो जो लेवल था सपोर्ट इसको भी रिवर्स मार के आ गया, ये भी रिवर्स करके दे दिया, सो मोस्ट प्रॉबली पॉजिटिव कैंडल बनेगा कल, तो इसलिए हम इसके बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्फोसिस आज भी दिया, कल के लिए भी इसको प्लान करना पड़ेगा क्योंकि इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, देखा राइट। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता तो हम सेल के लिए प्लान करता था, लेकिन वो फेल हो गए ना, तो अभी उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल देखिए, ट्रेंड चेंज हो चुका है, देखो सब पॉजिटिव, एक नेगेटिव आया था उसको भी रिजेक्शन करके फिर पॉजिटिव बना दिया, और इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा लेवल पे ट्रेड करना है आपको, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन करो, नहीं तो वेबसाइट में जाओ, यहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्रो ट्रेडर्स में, और आल्गो ट्रेडिंग के बारे में भी बताया मैंने, यहाँ पे देखो रिजल्ट्स भी मैंने पोस्ट किया, आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, हर जगह पे आल्गो ट्रेडिंग को क्लिक करके, और ये सब वीडियोस एक के बाद एक अच्छी तरह से देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसका परफॉर्मेंस वीडियो भी यहाँ पे डाल दिया मैंने, आप चेक कर सकते हैं। देखो और आज भी रिलायंस में भी आज 50,000 का कुछ प्रॉफिट आया, कल का भी 15,000 आया, एक लॉट की बात किया तो ये सब यहाँ पे है, चेक करके फिर आप अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।